सभी को राधे राधे। मैं शुसिंग और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मेरे पास कई बार एक प्रश्न आया था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, कि मैम मेरी ढोलक की धुन आपकी तरह से नहीं आती। बिल्कुल आएगी, आप कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस करते रहे और वो नहीं आए, आएगी, जरूर आएगी, और मेरे जैसी ही धुन आएगी। मेरे जैसी धुन लाने के लिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूं कि धुन आप कैसे पहचाने कि वो अच्छी आ रही है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी इसी वीडियो में, ताकि आप अपनी ढोलक की धुन को मेरी ढोलक की धुन के हिसाब से मैच कर सके। तो चलते हैं, और उसको बताने से पहले सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेपों को कैसे बजाते हैं। सबसे पहले हम सिंगल स्टेप बजाते हैं अगर उंगली, तो उसकी धुन पर ध्यान दें। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सिर्फ उंगली से, यानी कि 1 2 3 1 2 3। आप मेरी काउंटिंग को भी देखते जाइए और अपनी उंगली बजाते जाइए। देखिए, आप मुंह से काउंटिंग जरूर बोले, मैंने आपसे पहले भी कहा था और हर वीडियो में कहते चली आ रही हूं कि जब भी आप ढोलक को सीख रहे हैं आप अपने मुंह की काउंटिंग को बंद नहीं करें, चाहे आप तेज बोले चाहे स्लो। शुरुआत करते हैं उंगली की स्टेप और उसकी धुन की। तो धुन कैसे निकलती है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। स्टेप देख रहे हैं आप और मेरी बोलने का तरीका, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही उंगलियां चला रहे हैं, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये जो धुन यहां निकल रही है वो आपकी बोलने से ही निकलेगी। आप कहेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप देखिए, आप जो बोलेंगे ना वही धुन निकालेगी। सबसे पहले हमने धुन पर ध्यान दिया है, तो धुन हमारी कैसे निकल रही है, हमारे बोलने के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप इसकी धुन को देख लीजिए। अब हम डपली की धुन को देखते हैं कि हम कैसे बजाते हैं। डपली में जब भी हम 4 स्टेप बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं, धुन देख रहे हैं आप कैसे निकल रही है, 2 एक साथ, 1 सिंगल और 1 ऐसे, ठीक है। ये 4 स्टेप में धुन का ध्यान दीजिए आप। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको मुंह से बोलकर नहीं दिखाए थे स्टेप, अब मैं आपको मुंह से बोलकर दिखाती हूँ कैसे कहते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमारे बोलने के हिसाब से ही सारे स्टेप चल रहे हैं और वही धुन निकल रही है। जब ढोलक को मैच करते हैं तो उसी धुन के हिसाब से मैच करते हैं। ये नहीं है कि मैंने आपसे कहा कि 1 2 बजाना है, इसके बाद ये उंगली को आपको मैच करना है, ठीक है। तो अब हम जैसे बजाते हैं 1 2, इसे हम सिंगल गिनते हैं। कैसे गिनते हैं, 1 2, यानी कि हम 2 तो इधर बजा रहे हैं लेकिन इधर का एक स्टेप हम साथ में लेकर धुन को बजा रहे हैं, धुन मैच कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, धुन देखिए आप, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4। आप अपनी मुंह की काउंटिंग के हिसाब से ही धुन को इतना परफेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप बोलेंगे वैसे ही आपके सारे स्टेप, आपके हाथ आपकी अकॉर्डिंग चलेंगे और धुन भी वही निकलेगी जैसी मेरी निकलती है। आप मेरे हिसाब से जितने स्टेप मैं आपको बता रही हूं, आप मेरे हिसाब से एक एक स्टेप लगाते चले जाइए, आपकी धुन बिल्कुल मेरे हिसाब से ही या मेरी तरह ही निकलेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बजा रही हूं। 1 2 3 4। आपने देखा कि धुन के हिसाब से जब मैं ये वाला स्टेप बजाती हूं तो हम तीसरा नहीं लगा रहे हैं अभी, लेकिन हम जो 2 स्टेप लगा रहे हैं वो हम धुन के हिसाब से लगा रहे हैं, और इसके
उसके हिसाब से हम इस वाले का यानी कि जो तीन उंगलियां हम बजा रहे हैं उसका हम पहला स्टेप लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रहे हैं, आप अपने मुंह की काउंटिंग को फिर से बोलिए और देखिए कि ढोलक में धुन आती है या नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कहां आके रुकना है, हमें पहले स्टेप से फोर्थ स्टेप पे आके रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। अगर आपको अपनी धुन मेरी ढोलक की धुन के हिसाब से मिलानी है तो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप पे आके रुकिए आप, ना 1 पे ना 2 पे ना 3 पे, डायरेक्ट 4 पे। 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको मैं यही फोर स्टेप तेज बजाकर दिखाती हूँ। जब आप धीमे स्पीड में अपने सारे स्टेप को ढोलक पर एक साथ बैठा लेंगे धीमे धीमे आवाज में, फिर आप इसको तेज करेंगे। लेकिन तेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे स्टेप को मिक्स करके उल्टा सीधा सब कर लिया आपने, नहीं। आप अपनी मुंह की काउंटिंग को बराबर बोलते रहेंगे जब तक आप अपने दिमाग में उन स्टेप को नहीं भर लेते हैं। आप चाहे तेज बोले चाहे अपने मन के अंदर बोले। बढ़िया निकल रही है, लेकिन आप धीमे धीमे स्टार्टिंग कीजिए, धुन लाइए बड़े प्यार से अपने मुंह के स्टेप बोलने के तरीके से। तो चलते हैं और इसके आगे के स्टेप कैसे बजाते हैं धुन के हिसाब से। सिर्फ धुन पर आप गौर कीजिए, स्टेप आपको आते हैं सिर्फ धुन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आप काउंटिंग के हिसाब से स्टेप चलाएंगे, उनकी धुन बहुत लाजवाब निकलती है। मैं आपसे फिर कहना चाहती हूं, ढोलक सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर कोई कहता है कि ढोलक सीखना बहुत मुश्किल है, नहीं। अगर आप में लगन है और आप सीखना चाहते हैं बहुत लगन से, तो कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। तो ढोलक क्या चीज है, ठीक है ना। तो आगे क्या देखते हैं कि सारे स्टेप हम काउंटिंग के हिसाब से चला रहे हैं और अपनी धुन को उस काउंटिंग के हिसाब से निकाल रहे हैं। जहां रुकना है वहां रुक रहे हैं, जहां पर ढोलक बजानी है वहां बजा रहे हैं, तो धुन तो निकलनी ही है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
नहीं बढ़ाएंगे। स्पीड आप जब भी बढ़ाएंगे तब अपने काउंटिंग के हिसाब से ही बढ़ाएंगे, ताकि आपकी ढोलक कभी गलत ना हो, क्योंकि आपके बोलने के अकॉर्डिंग ही आपके हाथ चलेंगे। कि अगर आप 2 बजा रहे हैं तो 2 ही चलेगा, तीसरे पर आपकी उंगली नहीं आएगी। आपके मुंह से जो जो स्टेप निकलते चले जाएंगे, यानी जो जो काउंटिंग आप मुंह से बोलते चले जाएंगे, आपके हाथ उसी काउंटिंग के हिसाब से चलेंगे। आपकी ढोलक कभी गलत नहीं हो सकती। अगर हम 1 बजा रहे हैं और 2 बजा रहे हैं तो 1-2 ही बजेंगे, 1-2, 1-2, 1-2। अगर हम मुंह से बोल रहे हैं 3, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4। धुन बढ़ाएं, बहुत जल्दी आपकी धुन बढ़ेगी और मेरे जैसी ही धुन आएगी आपकी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी धुन आपकी नहीं आए। बस प्रयास करते रहिए, और मैं आपसे हमेशा कहना चाहती हूं कि प्रयास कभी असफल नहीं होता। तो चलते हैं, और चलते चलते मैं आपको बहुत प्यारा सा भजन राधा रानी का सुनाना चाहती हूँ, और सुनते हैं उसे, और कहते हैं बोल बरसाने वाली की जय। तो कहते हैं, क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना।
झूठे स्वार्थ के नाते सभी राधा रानी से नाता बना, जो कराती मुलाकाते हैं मेरी लाडों की क्या बातें हैं, जो कराती मुलाकाते हैं मेरी लाडों की क्या के बारे में आरे होने ही है। और क्या कहते हैं, छाए काली घटाए तो क्या उसके आंचल के नीचे हूं मैं, छाए काली घटाए तो क्या उसके आंचल के नीचे हूं मैं, आगे आगे वो चलती मेरे अपनी श्याम पीछे हूँ मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है मेरी लाडों की क्या बात है, उसने पकड़ा मेरा हाथ है मेरी लाडों की क्या बात है, जो कराती मुलाकात है मेरी लाडों की क्या बात है। बोले राधा रानी की जय। कैसा लगा आपको ये भजन? ढोलक वही है, बजाते बजाते चाहे आप भी बजाना आज शुरू कर रहे हैं, साल भर बाद अब इस प्रैक्टिस को बरकरार रखेंगे ना, तो ढोलक आपकी भी बहुत अच्छी बजेगी। और मुझे तो बजाते हुए आप जानते कि बहुत साल हो चुके हैं, स्टेप कहाँ उठाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलाना है, वो सब कुछ मुझे प्रैक्टिस में आ चुका है। आपको अगर कुछ और भी मुझसे पूछना हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो ढोलक के जरिए या भजन के जरिए, तो आप मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दिया करें, ताकि मैं भी समझ सकूं कि मैं कहाँ गलत हूँ अगर हूँ तो, या आपको मैं समझा नहीं पा रही हूँ तो वो भी बताएं। तो चलते हैं, और चलते चलते बहुत प्यार से कहना चाहती हूँ राधे राधे।